हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिमेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे वॉर मशीन के बारे में। तो फाइनली एवेंजर एंड गेम के बिग टीवी स्पॉट में उसका फर्स्ट लुक नजर आया। तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन कि उसका आर्मर कौन सा है, उसका मार्क नंबर कौन सा है। तो आप सब जानते हो कि आयरन मैन 2 में उसका जो मार्क नंबर था वो था 001, देन आयरन मैन 3 में 002, जो कि एक कैप्टन अमेरिका के लुक टाइप में था। देन आप सब जानते हो कि फिर सिविल वॉर में डायरेक्ट हमें ये सब दिखाई दिए और ये लड़ाई काफी अच्छी थी, यादगार थी, और देन इसमें सब अलग अलग हो गए। तो उसमें वॉर मशीन ने जो आर्मर पहन रखा था वो था 003, जिसमें एक नए वेपन और देन थोड़े और ज्यादा एडवांस फीचर थे। उसके बाद सिविल वॉर, तो सभी जानते हो कि सिविल वॉर में तो उसके आर्मर ने कमाल ही कर दिया था, पीछे से काफी सारी मिसाइलें, सारे आउटर राइडर्स को खत्म कर देना। तो इस आर्मर का जो कोड था वो था वॉर मशीन 004। तो इस आर्मर की काफी ज्यादा खास बात ये थी कि सिंपली कि इसमें इतने सारे वेपन थे कि इसमें फोर्टन कैनन भी ऐड हो सकता था, बट ऐसा हमें कुछ इन फीचर दिखाया नहीं गया। फिलहाल बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पार्ट आया था जिसमें कि हमें मार्क नंबर तो नहीं पता गया, पर फाइनली अभी जो एवेंजर एंड गेम का टीवी स्पॉट रिलीज हुआ है उसमें जो एंटमैन के साथ हमारा वॉर मशीन खड़ा हुआ सूट पहनकर, तो इसका मार्क नंबर कन्फर्म हो चुका है। तो ये है मार्क नंबर 005, जिसमें कि फोर्टन कैनन और वॉर डिस्ट्रॉय ऐड हो जाता है, यानी कि एक और हल्क बस्टर आर्मर की तरह। तो बहुत ज्यादा सरप्राइजेस हैं एवेंजर एंड गेम में। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर लोकी के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मत मारना। बाय बाय, जा रहा हूँ।